इस प्रकार से पढ़ाई करोगे तो आप पुलिस पटवारी शिक्षक या आरएएस और आईएएस भी आसानी से बन सकते हैं। आज हम आपको अपना पर्सनल अनुभव जो है, हमने 3 बार राजस्थान पुलिस का एग्जाम फाइट किया लेकिन 3 बार रनिंग की वजह से रह गए थे। इसके अलावा अभी जो फाइनली एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में रिटर्न एग्जाम मतलब फाइनली जो सिलेक्शन हुआ उसमें हमने उस दौरान हमने किस प्रकार से पढ़ाई की, वही छोटा सा जो अनुभव आप लोगों के साथ आज हम शेयर करना चाहते हैं। पहली जो बात है, कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के वो विद्यार्थी जो पढ़ने से पहले 3-4 बार सोचते हैं कि यार मैं पढ़ूंगा, आज पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, और जब पढ़ने के लिए बैठ भी जाते हैं तो जब नोट्स उठाते हैं तो नोट्स को 3-4 बार इधर उधर पलटते हैं और फिर देखते हैं कि कहाँ से पढ़ना शुरू करो, आधा टाइम तो उसमें पलटने देखने में वेस्ट कर देते हैं। दूसरे प्रकार के वो विद्यार्थी जो पढ़ना चाहते हैं, कभी भी पढ़ते हैं, एनी टाइम पढ़ते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनका कंपटीशन एग्जाम फाइट नहीं होता है, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए जो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, कहाँ पे उनकी कमी रह रही है वही हम आपको आज बताने जा रहे हैं। पहला पॉइंट है अपना गोल। जितने भी आपने मोटिवेट देखे होंगे उसमें देखा होगा कि अपना गोल डिसाइड करें और गोल्स जो सफलता के जो कॉमन तरीके वो आपको अपनाने पड़ेंगे। गोल में आप शिक्षक बनना चाहते हो, पटवार बनना चाहते हो, पुलिस बनना चाहते हो या आरएएस आईएएस बनना चाहते हो, क्योंकि कई बार हम किसी से पूछते हैं, कॉल करके पूछते हैं किसी स्टूडेंट से, तो आप किसकी तैयारी कर रहे हो, मैं पुलिस की, अभी तो पुलिस हाल फिलहाल पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ लेकिन पटवारी के एग्जाम डेट पहले आ गए तो मैं अभी पटवारी की तैयारी कर रहा हूँ। आप 2-3 की तैयारी करोगे तो न तो घर के रहोगे और न घाट के रहोगे, आपके दिमाग में क्लैरिटी होना चाहिए कि मेरे को शिक्षक बनना, पटवार बनना है या पुलिस बनना है, और जो बनना चाहते हो उसके बारे में थोड़े बहुत सपना देखा करो, सपने देखा करो, सपने नहीं देखोगे तो पूरे कैसे होंगे। जैसे कोई कि शिक्षक बनना चाहते तो कभी कभी सोचा करेगा यार मैं शिक्षिका बनने के बाद जब एक्टिवा लेके घर से मतलब स्कूल में पढ़ाने के लिए जाऊंगे तो मैं कैसा अनुभव करूंगी, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे कि कितनी अच्छी लड़की है कि मतलब यहाँ पे मतलब मेहनत करके टीचर बन गए, और आपकी वजह से आपके माता पिता को भी कितनी इज्जत मिलती है। एक लड़का वो जो मतलब चौराहे पर सट्टे खेलता रहता है, मतलब कुछ काम नहीं करता ना, घर वालों की बात मानता, और उसके पिताजी जब गाँव की गली से गुजरते हैं तो गाँव वाले उसको ये कहते हैं, ये पता है किसके पिताजी जा रहे हैं, कि जिनका लड़का गांव के चौराहे पर सट्टे खेलता कुछ काम नहीं करता। और एक लड़का जो तैयारी करके अच्छे से नौकरी लग जाता है, अच्छा काम करता, घर वालों की बात मानता है, और उनके पिताजी जब गांव की गली से गुजरते हैं तो गांव वाले पता क्या कहते हैं, कि पता है कि इसके पिताजी जा रहे हैं, जिनका लड़का बहुत मेहनती है और बहुत ही अच्छा है, वो सभी प्रकार के घर वालों की बातें मानता है। तो आपकी वजह से गाँव में आपके माता पिता की, आपके घर वालों की कितनी इज्जत होती है, इसलिए अपना गोल डिसाइड करें, गोल के बारे में सपने देखें। दूसरा गोल डिसाइड, लेकिन एक कड़वी बात है कि आजकल के लड़कों के दिमाग में गोल की जगह 90% तो गर्ल्स रहती है। आचार्य चाणक्य को किसी ने पूछा कि आपने विवाह क्यों नहीं किया, शादी क्यों नहीं गई, तो आचार्य चाणक्य ने जवाब दिया कि मेरे दिमाग में गर्ल स्टेटमेंट नहीं, गोल स्टेटमेंट है, मेरे लक्ष्य के प्रति मैं अड़िग हूँ। तो इसके अलावा तैयारी, दूसरा बात आता है अपने जो नोट्स हैं कि हम किस प्रकार से पढ़े, किस प्रकार से तैयारी करें। जो कोचिंग कर रहे हैं तो उनके सेल्फ नोट्स होते हैं, और जो नहीं कर रहे तो वो किसी के अच्छे से कोचिंग की मतलब फोटोकॉपी करवा लें। और लेकिन हम आपको बता दें कि आज तक किसी भी एक कोचिंग के दम पर सिलेक्शन नहीं हुआ है किसी का। एक के नोट्स पढ़कर हम कभी भी किसी भी प्रकार का एग्जाम फाइट नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो अभी अपने कोचिंग के जो नोट्स हैं उन नोट्सों के साथ में एक अदर नोट्स आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अदर नोट्स एक पढ़ना है, कोई सा भी पढ़े। वैसे तो अच्छी जो बुकें आती है, जैसे कि हम कौन सी बुक पढ़े तो अच्छी जो बुकें आती हैं हिंदी ग्रंथ अकेडमी की आती है, इसके अलावा सुजेस की आती है जो मान्यता प्राप्त है, लेकिन वो थोड़ी महंगी पड़ती है। इकोनॉमिक्स जिसके प्रॉब्लम नहीं वो खरीद सकता है, लेकिन जिसके परिवार के जो स्टूडेंट हैं तो उनके लिए कोई से भी गाइड ले आओ, चाहे लक्ष्य राय कोई से भी गाइड अदर गाइड ले आओ, अपने जो कोचिंग के नोट्स है, जैसे हमने कोचिंग के नोट्स में से राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं, और राजस्थान का भौतिक विभाजन उसी टाइम नोट्स में से पढ़ने के बाद गाइड से भी पढ़ो, और जो नई चीज़ मिले उसे बुक में मतलब अपने नोट्स और कोचिंग के नोट्स उसमें ऐड कर लो, और जो कुछ कन्फ्यूजन है दोनों में अलग अलग लगे तो आपके जो गुरुजी है उससे संपर्क लो, गुरुजी से डिस्कस कर लो कि हमारे को यहाँ पर दोनों अलग अलग चीज़ देखे तो सही कौन सा है। इसके अलावा जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो वो किसी के अच्छे से नोट्स की फोटोकॉपी करवाए और उसी में अदर बुक से पढ़े और उसी में ऐड करते चले। तीसरी चीज़ आती है, इसके अलावा बात ही करें, किसी भी सब्जेक्ट को आप लगातार मत पढ़ो, किसी भी सब्जेक्ट को आप लगातार मत पढ़ो। लगातार पढ़ने से लास्ट का जो टाइम आता है, लास्ट के जो 1-2 पेज होते हैं वो तो ऐसा होता है कि हमारे को याद नहीं। जैसे आपके जो एग्जाम होने वाला है उसमें 6 सब्जेक्ट, तो 3 सब्जेक्ट आज पढ़ लो, 3 सब्जेक्ट कल पढ़ लेना, इसलिए लगातार कभी भी एक सब्जेक्ट को लेकर नहीं बैठें और एक ही बुक को पढ़े। आपके जो नोट्स बनाए आपने ऐड करके जो नोट्स बनाए कंटिन्यू उसी को पढ़े, अलग अलग गाइड है, अलग अलग बुक नहीं पढ़े, क्योंकि कभी भी नोट्सों और गाइडों से सिलेक्शन नहीं होता है। अगर नोट्सों और गाइडों से सिलेक्शन होता, डिपो वाला का बेटा होता, स्टेशनरी वाले का जो बेटा होता, उसके पास तो गाइडों की कोई कमी नहीं होती, उसका बेटा कभी आरएएस नहीं बनता। इसलिए कभी भी नोट्सों से सिलेक्शन नहीं होता है, आपके पास जो अवेलेबल है कंटिन्यू लगातार उन्हीं नोट्सों को पढ़ लें, उन्हीं में करेक्शन उन्हीं में ऐड कर लें। लगातार नहीं पढ़ें, एक ही बुक को पढ़ें, 100 बार पढ़ें, 50 बार उसी को पढ़ें, और एग्जाम देने से पहले कम से कम 50 सॉल्व पेपर
कंपटीशन का एग्जाम देने से पहले उस कंपटीशन के कम से कम पुराने और जो नई तकनीक के मॉडल पेपर आ रहे हैं कम से कम 50 ओल्ड पेपर दोहरा ले। वो पेपर दोहराते समय ये ध्यान रखें, जैसे आपका मेन एग्जाम 3 घंटे का है तो एक जो पेपर है क्या हम घर पर उसको 3 घंटे में अच्छी प्रकार से कर पा रहे हैं? अगर घर पर हम उसको अच्छी प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं तो एग्जाम में मेन एग्जाम में संभव ही नहीं कि हम उसको अच्छी प्रकार से टाइम के अकॉर्डिंग कर लें। इसलिए टाइम के अकॉर्डिंग टाइम ध्यान रखते हुए बराबर 3 घंटे 2 घंटे का जो भी आपका पेपर होता है उसके अकॉर्डिंग ही सोल्ड पेपर के मतलब तैयारी करें तो कम से कम 50 सोल्ड पेपर निकालें। और जैसे आपने राजस्थान का भौतिक विभाजन थ्योरी पढ़ा तो कम से कम 50 से 60 या 50 से 100 न्यूमेरिकल राजस्थान के भौतिक विभाजन के पढ़ लें तो आपका जो जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। इसलिए थ्योरी के साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। प्रत्येक टॉपिक पढ़ो और टॉपिक के बाद में थ्योरी पढ़ो, प्रत्येक टॉपिक की थ्योरी पढ़ो और उसके बाद में उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लो। इस प्रकार से आप सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिकों की थ्योरी पढ़ के उसके प्रत्येक टॉपिक की 50 से 100 क्वेश्चन पढ़ पाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। तो दुनिया के ऐसे कोई मतलब कॉम्पिटिशन एग्जाम नहीं जो आप उसको फाइट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम एग्जाम के कुछ दिनों पहले जब एग्जाम देने के लिए सभी कहते हैं कि एग्जाम के 1-2 दिन पहले हमारे को पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, सही बात है कि एग्जाम के 1-2 दिन पहले हमारे को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर 1-2 दिन पहले भी हम पढ़ाई करते हैं तो जो सभी प्रकार का हमने जो पढ़ा उसकी खिचड़ी बन जाती है। और जब भी 1-2 दिन पहले आराम से नींद निकालनी चाहिए, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। जब हम एग्जाम के दिन एग्जाम देने के लिए जाते हैं, हमने अक्सर देखा है कि बहुत सारे लड़के जो होते हैं एग्जाम में बसों में ट्रेनों में मतलब किताब लेके पढ़ते रहते हैं। और रियल में हमने अनुभव किया है कि जो एग्जाम टाइप में एग्जाम देते जाते समय पढ़ाई करते हैं उनको कुछ भी नहीं आता है। आपको पता है आपने तैयारी की तो कितना आता है आराम से। तो पढ़ाई जब एग्जाम देने आप जाओ तो आराम से एयरफोन लगा के गाने सुनो, आपका जो भी मन करे वो करो, लेकिन पढ़ाई नहीं करनी बिल्कुल। और जो सभी प्रकार के कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी विशेष रूप से एक छोटी सी गलती करते हैं जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है, वो गलती करते हैं ओमार सीट वाले। आपको गलती क्या नहीं करनी है कि कई बार होता है पेपर में हमने 3 नंबर जो ऑप्शन है उस पर सही कर रखा है और ओमार सीट में जब भरते हैं तो उसमें हम 4 पर भर देते हैं गोला। पेपर में हमने 3 नंबर पे सही लगा रखा और ओमार सीट में हमने 4 पर भर दिया, तो ऐसी गलतियां नहीं करें। ऐसी गलती अगर एक भी करते हैं तो हमारा सिलेक्शन वहां पर रुक जाता है। अगर हमने अच्छे से तैयारी कर रही तो एक सिलेक्शन एक क्वेश्चन का मतलब है 1000 मतलब लड़कों के नीचे आना, और 1000 के अगर पोस्ट 900 हैं तो वैसे हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। और एक जो क्वेश्चन सरल क्वेश्चन जैसे भारत की मोनालिसा बनी ठनी को कहते हैं, लेकिन हमने इस क्वेश्चन को पढ़ने की वजह से गलत कर दिया तो इसका मतलब है सुसाइड करना। जो क्वेश्चन सभी को आ रहा है उसको हम गलत कर रहे हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा। और जो क्वेश्चन हमने अच्छे से तैयारी कर रही है और हमारे को वो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो टेंशन नहीं ले। अगर हमारे को वो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो किसी को नहीं आ रहा, हार्ड क्वेश्चन की टेंशन नहीं ले। लेकिन जो सरल क्वेश्चन है उसी को आप गलत कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ओमार सीट वाली गलती नहीं करें, सरल क्वेश्चन की गलती नहीं करें। अक्सर हमने क्लास में देखा है कि जब किसी भी स्टूडेंट को हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं और क्वेश्चन पुटअप करते हैं उसको खड़ा किया, उसको क्वेश्चन किसी कारणवश नहीं आ पाता तो उसके जो पड़ोस में लड़के उसके विशेष रूप से उसके दो दोस्त होते हैं वो उस पर हंसते कि यार तेरे को यही क्वेश्चन नहीं आया, पर नहीं आया तभी तो मैं कोचिंग आया, उस पर हंसते हैं। मतलब हमेशा वो दूसरों की गलतियों पर हंसते रहते हैं। आप ध्यान रखना, आप सक्सेसफुल बहुत ही प्रतिभा के आप धनी बनना चाहते हो तो हमेशा दूसरों की कमियां निकालना दूर करें और अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करें। हम हमेशा दूसरों की गलतियां निकालते हैं और अपने गिरिवान में झांककर तो हम देखते नहीं कि हमारे अंदर क्या कमी है। विशेष रूप से आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देने, एक आदमी था जिसमें पूरी बॉडी पेन कर रही थी, दर्द कर रही थी। वो बड़े से बड़े जैसे केकड़े हॉस्पिटल, अजमेर हॉस्पिटल, SMS जयपुर, दिल्ली एम्स, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चला गया। उसकी बॉडी पर दर्द था, पूरी बॉडी पर दर्द था, उसको पता नहीं चला। मतलब बड़ी बड़ी जाँचें उसने करवा ली, CT स्कैन करवा ली, MRI करवा ली, सभी प्रकार का उसका पूरी बॉडी का चेकअप करा लिया, लेकिन डॉक्टर को पता नहीं चला कि इसकी बीमारी क्या है, उसका दर्द कम नहीं होता है। वो हार थक के जब परेशान होकर वापस घर आता है और गाँव में उसके एक छोटे से बेजी जिनको कहते छोटे मोटे कंप्यूटर थे उनके पास जाता है कि मेरी पूरी बॉडी में दर्द है, तो कंप्यूटर को पता चलता है कि इसकी बॉडी में दर्द नहीं, इसकी तो अंगुली में दर्द है कि जहाँ पर ये अंगुली टच करता है तो मतलब वो दर्द हो जाता है। इसलिए अपने सबसे पहले दूसरों में गलतियां ढूंढने से पहले अपने गिरिवान में झांक कर देख ले। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।